मेरोमॉर्फिक फंक्शन वाले चैप्टर में नेक्स्ट थ्योरम नोट करना। थ्योरम है इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक within and on a closed contour C except at a finite number of poles कोई फंक्शन f of z किसी क्लोज्ड कंटूर कैपिटल C पर, कैपिटल C के ऊपर और कैपिटल C के अंदर दोनों जगह पर एनालिटिक है एक्सेप्ट छोड़ करके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल, यानी फंक्शन के पास जो सिंगुलरिटी है वो पोल है। ठीक, इफ अ फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर कैपिटल C एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल कॉमा एंड, और इसके साथ ही एंड हैज नो जीरोस ऑन कैपिटल C, हैज नो जीरोस ऑन कैपिटल सी, और फंक्शन जिस कंटोर पर है उस कंटोर की बाउंड्री पर कोई भी जीरोस नहीं रख रहा। इसका मतलब कंटोर के अंदर में तो जीरोस हो सकते हैं लेकिन बाउंड्री पर कोई भी जीरोस नहीं है, हैज नो जीरोस ऑन कैपिटल सी, देन तब ऐसे केस में देन नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू, कल भी एक थ्योरम हुई थी जहां पर ये था 1/2πi इंटीग्रल एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। आज इसी को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसको आर्गुमेंट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू, ये होता है 1/2πi डेल्टा सी आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड, ये डेल्टा सी आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड के आर्गुमेंट में होने वाला बदलाव लिख देना, वेयर जहां पर वेयर डेल्टा सी आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड डिनोट्स ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन इन आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। अगर हमें पोल और जीरोस की संख्या के बीच का डिफरेंस पता करना है, पोल और जीरोस की संख्या के बीच का डिफरेंस, तो हमको केवल एक काम करना होगा, फंक्शन एफ ऑफ जेड के आर्गुमेंट में होने वाले बदलाव को 1/2πi से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 1/2πi डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। लेकिन एक बात ख्याल रखना है इसमें कि ये बात तभी होल्ड होगी जब आपका फंक्शन क्लोज्ड कंटूर पे एनालिटिक हो और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल रखे, मतलब पूरी तरह से एनालिटिक होगा तब तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कंटूर सी जीरो होगा, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए हम पीछे थ्योरम कर चुके हैं। अभी कहा जा रहा है पूरे के पूरे क्लोज्ड कंटूर कैपिटल सी पर फंक्शन कुछ पोल को छोड़ करके एनालिटिक बना रहता है, एक बात। दूसरी शर्त यह है कि हमारा फंक्शन बाउंड्री पर कोई भी जीरोस नहीं रखता है, तो ऐसे केस में एन माइनस पी इज इक्वल टू 1/2πi डेल्टा सी आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड, वेयर डेल्टा सी आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड ये आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड में होने वाला वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेटमेंट नोट करो, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ की शुरुआत करते हैं। इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज एन जीरोज
if function f of z has n zeros and p poles inside capital C, अगर कंट्रोल कैपिटल सी के अंदर फंक्शन एफ ऑफ जेड के पास टोटल एन जीरोस हैं और टोटल एन पोल्स हैं, तो पुरानी वाली जो थ्योरम हमने की थी उससे, देन नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 1.2 पाई आई इंटीग्रल ओवर द कंट्रोल सी एफ ऑफ जेड एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड लिखा जा सकता है। इस चीज को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, अगर याद हो तो जिस वक्त वहां पर जीरोस और पोल माने जा रहे थे तो हमने इसको लॉग में लेकर के आ रहे थे, उस लॉग वाले हिस्से से इसको लिखा गया। वैसे ध्यान रखने की चीज है, ये चीजें ऐसे भी लिखी जा सकती हैं, 1/2πi इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी, इसको हम सीधे अगर देखें तो नीचे है एफ ऑफ जेड, तो नीचे एफ ऑफ जेड तब आएगा जब ये लॉग के साथ हो, तो यानी कि लॉग एफ ऑफ जेड। अब जरा इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या लिखा गया है, जिस दिन इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलता है 1/f(z) पहली चीज, फिर f(z) का डिफरेंशिएशन f'(z), अब चूंकि z के लिए होता है तो साथ ही dz, तो इसका मतलब हम इस चीज को लिख सकते हैं, इस हिस्से को लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ log f(z) ये रहा। n माइनस p यानी नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल ओवर कंट्रोल सी dz ऑफ log f ऑफ z, और हमें पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मतलब आंसर हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 1/2πi ठीक, और यहां पर बच रहा है log f ऑफ z कहां पर ओवर कंट्रोल सी, वेयर या इसी को लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू 1/2πi log f ऑफ जेड ओवर कंट्रोल सी, तो इसको लिख सकते हैं 1/2πi डेल्टा सी log f ऑफ जेड n माइनस पी इज इक्वल टू 1/2πi डेल्टा सी log f ऑफ जेड, वेयर जहां पर इस डेल्टा सी के बारे में हम बता रहे हैं, डेल्टा सी है क्या, वेयर चूंकि लॉग एफ ऑफ जेड की वैल्यू ओवर कंट्रोल सी ली जा रही है, इसका मतलब जब आप ओवर कंट्रोल सी पर लॉग की वैल्यू ले रहे हैं तो ये वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग निकल करके आ रही है, इसका मतलब हम इस चीज को लिख सकते हैं वेयर डेल्टा सी डिनोट वेरिएशन ऑफ लॉग एफ ऑफ जेड variation of log f of z variation of log f of z as z moves round the closed contour c closed contour c z 1/2πi log f of z over the contour c, लेकिन contour c पर जब function move करेगा तो जैसे जैसे function उसके ऊपर move करेगा वैसे वैसे उस function की value में बदलाव आएगा, इसी बदलाव को total को अब हम delta c log f of z लिख दिए, where delta c denote the variation of log f of z, ये log f of z में होने वाले variation को represent करता है as z move, जैसे जैसे z move करेगा round the closed contour c, वो closed contour c के around move करेगा वैसे वैसे इसमें बदलाव होगा, इस बदलाव को represent करने के लिए इस्तेमाल किया गया delta c log f of z। अब लौटते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में हम log f of z की वैल्यू देख चुके हैं कितनी होती थी, देखना बाय ट्रिग्नोमेट्री log f of z, अगर याद ना हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में एक बार ओपन करके इसे जरूर देख लेना, और या तो फिर यहां से याद रखो log f of z इज इक्वल टू होता था log mod f of z ठीक प्लस i argument of f of z,
ये वैल्यू होती थी log f ऑफ z की। डियर फोर इसका मतलब इस वैल्यू का यहाँ पर इस्तेमाल कर लें तो यह आएगा डियर फोर एन माइनस पी यानी नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई डेल्टा सी ऑपरेटेड ओवर लॉग मॉड एफ ऑफ जेड ठीक और प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। वेरिएशन ना पता है, वेरिएशन का मतलब इस हिस्से का भी वेरिएशन और इस हिस्से का भी, दोनों साइड का वेरिएशन होगा, इसका मतलब इसे किया जा सकता है दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई डेल्टा सी लॉग मॉड एफ ऑफ जेड प्लस आई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। लेकिन अब यहां पर log f mod f of z की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। चूंकि जो कर्व लिया गया है वो कर्व एक क्लोज्ड कंटूर है, यानी कि हमारा कर्व कैसा है, क्लोज्ड कर्व है पहली बात ठीक। दूसरी बात जो फंक्शन f of z है ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए पूरे के पूरे क्लोज्ड कर्व पर वेरिएशन जीरो होता है, तो इसको लिखा जा सकता है देना सिंस कैपिटल सी इज क्लोज्ड कर्व, सिंस कैपिटल सी इज क्लोज्ड कर्व एंड लॉग मॉड एफ ऑफ जेड, लॉग मॉड एफ ऑफ जेड इज सिंगल वैल्यू, इज सिंगल वैल्यू डियर फोर। इसके सिंगल वैल्यूड होने की वजह से डेल्टा सी log mod f of z इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ठीक। चूंकि फंक्शन मेरा सिंगल वैल्यू है इसलिए ये वैल्यू टोटल डेल्टा सी यानी जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन बराबर हो जाएगा जीरो के। अच्छा वेरिएशन जीरो होते ही ये वैल्यू ऊपर रखते पहला हिस्सा तो जीरो, एक चीज में गलती हो गई, वन अपॉन टू पाई पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है इस तरीके से लिख देना ये रहा। जैसे ये वैल्यू जीरो हो गई तो अपने पास केवल इतना हिस्सा बचा यानी एन माइनस पी डीएल फोर करके लिखना एन माइनस पी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई को अंदर ले जाते हैं आई से आई कैंसिल आउट होता है आंसर आता है वन अपॉन टू पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जे, यही हमें प्रूफ करना था। इसी चीज को आर्गुमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है, लिख लेना एक लाइन लास्ट में दिस इज आर्गुमेंट प्रिंसिपल। This is argument principle। अगर मेरा function f of z पूरी तरह से analytic हो जाए तो फंक्शन के एनालिटिक होने पर फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी, सिंगुलरिटी नहीं होगी तो इसका मतलब ये जो फंक्शन अभी केवल और केवल कुछ फाइनाइट पोल रख रहा था, पोल सिंगुलरिटी होती है यानी पोल की संख्या अपने आप जीरो हो जाएगी। जैसे पोल की संख्या जीरो होगी तुरंत हमको मिलेगा n इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड, अगली थ्योरम यही है, बड़ा छोटा सा है, कोरोलरी करके भी कर सकते हैं, अलग से थ्योरम करके भी लिखा जा सकता है, ये पहले नोट कर लो फिर उसको कराते हैं। कोरोलरी करके भी की जा सकती है और थ्योरम भी करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन
अगर एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है देन देन नंबर ऑफ जीरोस कैपिटल एन इज इक्वल, ये बात है, यहां पर शर्त वही है कि फंक्शन बाउंड्री पर कोई जीरोस नहीं रखता है, ठीक, ये बिल्कुल पुराने वाले से जुड़ा हुआ चलता है, इसलिए उस स्टेटमेंट के साथ ही आगे बढ़ा है। बस केवल एक अंतर है, वहां फंक्शन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल रख रहा था, इस बार फंक्शन कोई पोल कोई सिंगुलरिटी नहीं रखेगा, कैसा होगा, एनालिटिक, लेकिन ऑन द क्लोज्ड कंट्रोल सी कोई जीरोस नहीं रखेगा और अंदर में टोटल कैपिटल एन जीरोस रख रहा है। तो उस बात को यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, उस बात को याद रखना कि ये थ्योरम पीछे वाले से जुड़ी हुई चल रही है। इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 upon 2 pi i इंटीग्रल ओवर द कंट्रोल सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, चाहे ये कहें पहली वाली थ्योरम से और चाहे अभी अभी जो पढ़ करके आए हैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल से, उससे कह सकते हैं 1 upon 2 pi डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। कुछ किताबें इसको आर्गुमेंट प्रिंसिपल फॉर द एनालिटिक फंक्शन कहती हैं, तो एनालिटिक फंक्शन कह रही हैं, इसका मतलब उन्होंने सिंगुलरिटी को वहां से निर्धारित कर दिया है, इसीलिए ये एनालिटिक ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल होगा फॉर एनालिटिक फंक्शन और पीछे पता जनरल आर्गुमेंट प्रिंसिपल है। तुरंत इसका प्रूफ लिख लेते हैं, छोटा सा है प्रूफ लिखना, सिंस n माइनस पी जो हम जानते हैं उससे लिखा है, सिंस n माइनस पी इज इक्वल टू 1 upon 2 pi i इंटीग्रल ओवर द कंट्रोल सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, और इसी को हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 1 upon 2 pi डेल्टा सी आर्गुमेंट इन एफ ऑफ जेड। चूंकि फंक्शन को एनालिटिक दिया गया है इसलिए नंबर ऑफ पोल यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो, सिंस एफ ऑफ जेड इज गिवन एनालिटिक, since f of z is given analytic, therefore इसलिए capital P is equal to zero, यानी total number of poles कितने हो गए, zero हो गए। This implies that इसका मतलब ये हुआ कि number of zeros capital N उठा करके P की value zero रखते हैं, answer सामने है 1 upon 2 pi i integral over the contour C f dash of z upon f of z dz is equal to 1 upon 2 pi delta C आर्गुमेंट एफ ऑफ जेड। यहाँ पर फ्लैश आ गया होगा, कुछ है नहीं, बस ये पहले वाले में यही मेन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, इस पूरे पर फ्लैश होगा, इसे लिखना n इज इक्वल टू ये ऊपर वाली बात यही लिखी गई,